Hare Hare
Mago Mas Daitya Navratra Kal se Gupta Navratri prarambh hue Shubh Chandrama ke darshan
जिसे दूज का चंद्रमा कहते हैं, जो भगवान संब सदा शिव के बाल में विराजमान होता है, उसी चंद्रमा के शुभ दर्शन करके आज के दिन सिंधी समाज नए मास का प्रारंभ करता है। बुधवार का पावन दिन मंगलमय मोक्षमय गुरु का द्वारा भगवान सूर्य नारायण अस्त शुभ चंद्रमा के दर्शन प्रारंभ, संध्या की बेला कमर सीधी ज्ञान मुद्रा, एक दूसरे से स्पर्श ना करें, खुले बैठे, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, तीन उंगली सीधी, भरिए गहरा श्वास, आंखें बंद, शांत निश्चिंत। हरि फिर से गहरा श्वास, फिर से लीजिए गहरा श्वास, भरिए, सभी लीजिए लंबा श्वास, भरी गहरा श्वास, ओम का उच्चारण, भरिए श्वास,
फिर से इस प्रकार उच्चारण करने से बिखरी हुई चित्त वृत्ति एकाग्र और शांत होती है। फिर से भरिए गहरा श्वास। फिर से दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री विश्वात्मने नमः। श्री विश्वात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। गम गणपतये नमः। गम गणपतये नमः। विनायकाय नमः। विनायकाय नमः। लंबोधराय नमः। लंबोधराय नमः। विघ्नहर्ताय नमः। विघ्नहर्ताय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मां ब्रह्मचारिणी नमः। मां ब्रह्मचारिणी नमः। श्वेतवस्त्रधारिणी नमः।
श्वेत वस्त्र धारिणी नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। चरण कमले भ्यो नमः। चरण कमले भ्यो नमः। निज स्वरूपाय नमः। निज स्वरूपाय नमः। आत्मरूपाय नमः। आत्मरूपाय नमः। गुरु तत्वाय नमः। गुरु तत्वाय नमः। आदि शक्ति नमो नमः। आदि शक्ति नमो नमः। प्रकृति देव्या नमो नमः। देव्या नमो नमः। लक्ष्मीस्वरूपा नमो नमः। लक्ष्मीस्वरूपा नमो नमः। सरस्वतीरूपा नमो नमः। सरस्वतीरूपा नमो नमः। गंगास्वरूपा नमो नमः। गंगास्वरूपा नमो नमः। यमुनास्वरूपा नमो नमः। यमुनास्वरूपा नमो नमः। नर्मदेरूपा नमो नमः। नर्मदेरूपा नमो नमः। घट घट वासी नमो नमः। घट घट वासी नमो नमः। मा चिंत पूरणी नमो नमः। मा चिंत पूरणी नमो नमः। नैना देवी नमो नमः। नैना देवी नमो नमः। मा ज्वाला देवी नमो नमः। देवी नमो नमः। मां प्रकृति देवी नमो नमः। मां प्रकृति देवी नमो नमः। नव दुर्गा देवी नमो नमः। दुर्गा देवी नमो नमः। मादि शक्ति नमो नमः। मादि शक्ति नमो नमः। मैया नमो नमः। मैया नमो नमः। देवी नमो नमः। देवी नमो नमः। शक्ति नमो नमः। शक्ति नमो नमः। दुर्गे नमो नमः। दुर्गे नमो नमः। नमो पूरे वर्ष में चार बार नवरात्रि आती हैं, दो प्रगट नवरात्रि होते हैं और दो गुप्त नवरात्रि होती हैं। गुप्त नवरात्रों में भी शुद्धता का विधि विधान का यथासंभव पालन करना चाहिए। नहीं कर सकें तो अपने जप की माला पर गुरुदेव के द्वारा दिया गया सारस्वत मंत्र, मां आदि शक्तियों के बीज मंत्रों का अपने माला पे ही जप कर लेना चाहिए, क्योंकि परमपिता जगदीश्वर परम सत्ता रूप हैं, लेकिन ये जो माया जो आपको इन दो आँखों से दिखती है, भासती है, अनुभव होती है, वो उस परम पिता की
शक्ति से ही चलती है। माया के रूप अनेक हैं, गुण अनेक हैं, माया का विलास और विस्तार भी अनेक है। और इस शाम की संध्या में कहूं तो महापुरुषों ने अपने अनुभव में कहा कि इस माया का और छोर पाना भी मुश्किल है। अगर मैं असंभव भी कह दूं तो वो भी गलत नहीं होगा। यहां जितने भी इस गुरुद्वार पर बैठे हैं, बाह्य रूप से तो आप आश्रम में बैठे हैं, लेकिन इस समय आपके भीतर कौन सी माया चल रही है, अंदर आपके कौन सी दुनिया बसी हुई है, उसमें कौन सी उथल पुथल चल रही है, ये तो जीव ही जाने। और हर जीव अपने अंदर एक माया की रचना से एक सृष्टि बना के बैठा है। उसमें उसे अपना नाम पक्का है, अपने घर संसार की संपत्ति, राग द्वेष, सुख दुख, लाभ हानि सभी उसे दृढ़ हो गया है भीतर। ये माया का विस्तार है। कभी विश्व की ओर देखोगे और विश्व का एक छोटा सा मैप निकालोगे, उस पूरे मैप में आपको भारत इतना छोटा मिलेगा पूरे विश्व के मैप में। फिर उस भारत में आप छत्तीसगढ़ निकालोगे तो वो इतना छोटा मिलेगा। फिर उसमें आप बाटापारा निकालोगे तो वो इतना सा मिलेगा। और आप उसमें अगर अपना घर देखने जाओगे तो शायद पेन का डॉट लगाओ ऐसा भी मुश्किल मिलेगा। लेकिन उस घर में क्या नहीं है, जीने से लेके मरने तक के सभी सामान है उसके अंदर। उस घर में क्या सुख सुविधा नहीं है, उस घर के किस वस्तु का चिंतन नहीं है, लेकिन नक्शे में देखो तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। कब सुनामी लहरें आ जाती हैं, फंक्शन मना रहे हैं रात्रि को, पर्दे के पीछे से समुद्र आया और लेकर गया। ऐसे अल्प और कभी भी मनुष्य को अर्ध मार्ग में छोड़ देने वाली इस जीवन यात्रा के ऊपर हम कितने निश्चिंत और कितने आधारित हैं। इसीलिए संतों का बड़ा उपकार है। कल बताया था ना, वो बच्चा खेल देखने गया तो आया ही नहीं, माँ ने भेजा था सामान लेने, फिर बड़े भाई को भेजा, उसने हिलाया और बोला घर चलो, माँ ने सामान दिया था कहाँ है, बोले कब बोला था माँ ने, कान मरोड़ा तो याद। ऐसे ये माया इतनी मीठी है कि हम सब यहां रस बस गए हैं। जय राम जी की। वडा साईं लीला शाह साईं हुंदा ना, हमारे बापूजी के गुरुदेव, कोई आपके जैसे सिंधी माता बेटे को लेके जाती थी और बोलती थी साईं इन के आशीर्वाद दियो, इन जी शादी थी मने, तो बड़े स्वामी जी बोलते थे भगवान करे कारी जाल मिलेस, भगवान करे झगड़ालू जाल मिलेस। दादा गुरुजी बोलते थे कि भगवान करे इसको काली पत्नी मिले और झगड़ालू मिले। तो लड़के की माँ डर जाती थी कि ये कैसा आशीर्वाद संत दे रहे। बोले साई काली, बोले हाँ बहुत काली एकदम, और झगड़ालू ऐसे कि जब देखो झगड़े। बोले साईं ये आशीर्वाद है, बोले हाँ ये आशीर्वाद है। इसको समझने के लिए भी बड़ा तथ्य चाहिए, बुद्धि चाहिए। का काली होगी झगड़ालू होगी तो इसका मुंह उधर होगा और इसका मुंह भगवान में होगा, नहीं तो पूरी देर इसका मुंह उसके मुंह में होगा। इसलिए भगवान करे इसको ऐसी पत्नी मिले।
तो कई बार संत महापुरुष संसार का सत्य समझाते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता। वो सत्संग एक साधन है जिससे संत महापुरुष सत्य समझाते हैं, लेकिन जब हमें नहीं समझ में आता तो फिर वो हमें छोड़ देते हैं और फिर प्रकृति की ठोकरें खा खा के हम सीखते हैं। और जब प्रकृति की ठोकर खा के भी हम पूरा नहीं सीखते हैं तो फिर जन्म मरण का चक्कर हमारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा होता है। कल सत्संग इसी बात पे चला था कि जितनी संसार में सत्य बुद्धि होगी उतना आपको सुख दुख की चोट ज्यादा लगेगी। शरीर में जितनी अहम बुद्धि होगी उतना राग द्वेष ज्यादा होगा। भोगों में जितनी सुख बुद्धि होगी उतना आपको लेन देन के चक्करों में ज्यादा फंसना पड़ेगा। जयराम जी की, भाई जयराम जी की तो बोली। एक विरक्त संत थे, जयराम जी के, संत के आगे तो विरक्ति लग सकता है, आसक्त कैसे लगेगा। एक विरक्त संत थे लेकिन वो माता के पुजारी थे, माँ में खूब श्रद्धा रखते थे, इसलिए माँ के अमुक अमुक बीज मंत्रों का लंबा लंबा अनुष्ठान करते थे। और एक दिन उनके जब तब से माँ आदि शक्ति प्रकट हुई, उसको झेलना भी सबके बस की बात नहीं होती। ये आप जिन स्थानों पर घरों में रह रहे हो ना, और जो तीन टाइम खाना खाते हो और सुबह से रात तक चलते रहते हो, इसमें आपको ईश्वर प्राप्ति और उसकी लगन और दर्शन बहुत कठिन काम है। ये सब ऐसे नहीं होगा, थोड़ा एकांत तो लेना पड़ेगा। तो बाबा ने जंगल में जाके एकांत लिया था और वहां मंत्र को इतना जप किया कि माँ प्रकट हुई। प्रकट हुई तो कहा, बोल क्या चाहता है। तो कहा, माँ आपके दर्शन हो गए, अब कोई मेरी और इच्छा नहीं है। एक बार मन में भाव था कि माँ का साकार रूप देखूं, निराकार से तो आप मेरी चेतना और श्वासों में बसती हैं, आपके सत्ता से ही मेरी चेतना है, लेकिन माँ मेरी इच्छा थी मैं आपको साकार देखूं, सो पूरी हो गई। माँ बड़ी खुश हो गई कि जितना जब तब किया है इतना अंतरकरण भी शुद्ध हुआ है। तो भी माँ जाते जाते आशीर्वाद दे गई, जा तेरी जहां छाया पड़ेगी वो स्थान माला माल हो जाएगा। लेकिन बाबा भी बड़े पक्के थे, कहा माँ रुको, मेरे को छाया का आशीर्वाद तो दे जा रही हो, पर ऐसा आशीर्वाद दे जाओ कि मेरी पीछे की छाया जहां पड़े ना वहां सब कुछ मिले, मेरी आगे वाली छाया को आशीर्वाद मत देना। माँ मुस्कुराई और बोली, ऐसा क्यों। कहा माँ संसार बहुत स्वार्थी है, मेरे पीछे छाया पड़ेगी और इनको सब कुछ मिलेगा, जब तक ये मेरे पास आएंगे तब तक तो मैं आगे जा चुका हूँगा, लेकिन मेरे पहले ही छाया पड़ेगी और इनको सब कुछ मिलेगा तो ये मुझे समाज में अटका भटका देंगे, इसलिए माँ मेरी पीछे की छाया को आशीर्वाद। समझ रहे हो ना, एक आगे पाछो पौधो एक पूछो, तो पीछे वाले पे दो आगे वाले पे नहीं दो। माँ आदि शक्ति उसके वैराग्य विवेक पे खुश हुई, कहा जा तेरा नाम छाया बाबा के नाम से प्रसिद्ध होगा। जहां उनकी छाया पड़ती थी वहां देवता भी कई बार जो चाहे वो मांग लेते थे। बस प्रार्थना है आप लोगों से कि अपना पात्र इतना विशाल कीजिए, अपना पात्र इतना पवित्र कीजिए, इतना पात्र सूक्ष्म कीजिए कि आपको मांगना नहीं पड़े, भगवान उस पे देने में, गुरु देने को आनंदित हो जाए। क्यों मांगे बार बार, जो दिया है वही कम नहीं है, उसको तो संभालें, उसको तो संवारें।
उसको तो सजाएं। रही बात मांग की, ये तो कभी कम होने वाली नहीं है। अब सार बात पे आपको ले आती हूँ, फिर आज बहुत सुंदर मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम भी इसी आश्रम में आयोजित किया गया है। प्रश्न उठता है कि ईश्वर की कृपा, गुरु का ज्ञान किस पात्र में ठहरता है? जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है। माताएं सुबह दूध वाले से दूध खरीदती हैं तो बोलती हैं, भी पैरों बटलो दोई चा, फिर छन्नी लेके आती हैं, फिर बोलती हैं हाने खीर विज, तपेली धोएंगी, छन्नी रखेंगी, फिर दूध लेती हैं। 1 किलो दूध ही तो है, लेकिन तो भी पवित्र करके लेती हैं, फिर गरम करती हैं तो खड़ी रहती हैं ऊपर से, कहीं उबल के बोलो गिर ना जाए। सफाई से ले तो लिया, साधुवाद है, पर इसको गिराना भी तो नहीं है। फिर दूध गरम छन्नी से ढकती हैं, फिर खिड़की बंद करती हैं, क्यों? वहां भी सावधानी रखती, क्या दूध है, क्या व्यवस्था है। तो यहां तो ब्रह्म ज्ञान है, कितनी सावधानी रखनी होगी। फिर कोई काम करने वाला बंदा छोटा मोटा आ जाता है तो दूध उठा के किनारे रख देती है, कहीं सबकी नजर इस पे ना पड़े, तब दूध संभला जाता है। तब शाम को दही जमती है, छाछ मक्खन घी अब तक डाला जाता है। इसमें कहीं भी चूकोगे ना तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी। एक बार केवल बिल्ली ने उसका मुंह से ढक्कन भी हटा दिया ना, तो भी हम उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्या पता ढक्कन हटाते समय उसके मुंह की लार गिर गई हो। और कहीं आप उसको बंद करना भूल गए और आधे घंटे बाद आए तो तपेले की जलने की पूरी बदबू दूध के अंदर, तो भी नहीं पी सकते। कोई आपके दूध को देख के बोला, हेडी मलाई रोज, तो भी आप गए कहां से, नहीं जाओगे बताओ। सावधानी, निगरानी, ऐसे ही साधन भजन में सावधानी। जरूर कहूंगी, आपको नहीं कहूंगी तो किसको कहूंगी। साधना में सावधानी, लेकिन उससे कई गुना अपने कर्मों में सावधानी, क्योंकि कर्म अच्छे होंगे तो आपकी साधना ऐसी ही हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। बहुत ज्यादा मेहनत उनको करनी पड़ती है जिनका अंतरकरण शुद्ध नहीं होता, उनको खूब मेहनत करनी पड़ती है, बार बार तीर्थ में जाना पड़ता, बार बार दान पुण्य शुभ कर्म करो 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 करो, जब तक पहुंचो करो। इसीलिए आज मैं आपको 5 सद्गुण बता रही हूं जो संतों ने अपने साहित्य में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, कि अगर आप चाहते हो ईश्वर कृपा के पात्र बने, अगर चाहो ताकि मुझे मनुष्य जन्म सफल थे, के मन जे कुंड में अगर ये इच्छा अथव, किसी मन के कोने में आपकी चिंतन या भाव है, तो अपने जीवन को निखारिए, संवारिए, सजाइए, भगवान को वही पसंद आता। जय राम जी की बोलिए तो सही। एक नारी जब सजती है तो कितनी सुंदर लगती है, श्रृंगार करती है। ऐसे ही साधक का श्रृंगार क्या है, कि उसका मन शुद्ध हो, ट्रांसपेरेंट श्रृंगार है उसका, उसकी वाणी में आनंद झलक रहा हो, उससे बात करने के लिए मन लालायित हो, ज्ञान उसके व्यवहार में आ रहा हो, ये लक्षण है साधक के। जय राम जी की। पहला लक्षण, जो साधना करेगा, ईश्वर को मानेगा, चाहे किसी भी गुरुजनों को मानेगा, उस गुरु भक्त के, उस साधक के, उस अभ्यासु के पहला लक्षण है कि उसको किसी से भी द्वेष नहीं होगा। बोलिए तो, उसको किसी से भी द्वेष नहीं होगा।
द्वेष हुआ, कहीं सामने वाले को देख के मन में ईर्ष्या हुई, तो आज मुझे क्षमा करना, लेकिन मन में पक्का कर लेना कि अभी मेरा साधन भजन पूरी तरह से फलीभूत। मन में तो पक्का कर लो, भले मुंह से न बोलो तो आपकी इच्छा। किसी को देख के हमारे अंदर में द्वेष जगा तो अटके, और जो अटकेगा वो भटकेगा। द्वेष न कीजिए। देखो, एक माँ दो बच्चों को जन्म देती है, तीन बच्चों को जन्म देती है, तो उनका पिता भी एक होता है और उनकी माँ भी एक होती है, उनका पालन पोषण भी एक ही होता है। जिस स्कूल में पढ़े होते हैं वो स्कूल भी एक ही होता है, जो माता पिता उनको कपड़े दिलाते हैं वो भी एक होता है, दिवाली की जो उनको खर्ची मिलती है वो भी एक ही होता है, जो रोटी उनको खिलाई जाती है वो भी एक ही होती है, जिस छत के नीचे वो रहते हैं वो छत भी एक होती है, फिर भी तीनों का भाग्य एक जैसा नहीं होता। चाहे माँ बाप हजार जतन कर लें कि हे ट्रई ही कजेड़ा थन, तो भी वो तीनों एक जैसे नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उन तीनों का कर्म एक जैसा नहीं है। निस्संदेह बाकी की चीजें उनकी एक जैसी हैं, कर्म कहाँ जाएगा? तो कई बार हम पहले के किए हुए कर्मों को आज भुगत रहे हैं, तो आगे हम किसी से द्वेष न करें, हमारा पात्र मैला न करें। क्योंकि बटलो अगर खराब होंदो ऐं निंड निंड में तव्हांजो ध्यानु न वियो ऐं उन में खीर वठी छॾियव, त पोइ जंहिंमहिल खीर ईंदो त कचिरो खीर जे हिकदमि मथां अची वेंदो, त खीर विझण वारो चवंदो, भई भेण बटलो धोई न आई हुई छा? चई भई मुंहिंजो ध्यानु न हुयो। त जब पात्र शुद्ध न होगा, मैं क्षमा चाहती हूं, गुरु का दिया हुआ ज्ञान भी उसके साथ वहीं घूमता रहेगा। फिर लोग बोलेंगे, क्या हुआ, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, क्या हो गया आपको? इसलिए ये सद्गुण जीवन में आना बहुत जरूरी है कि कोई जहां भी हो वो अपने भाग्य और कर्मों से है, हमें उसको देखकर मन में द्वेष नहीं होना चाहिए। ये साधना की सफलता की सीढ़ी है। जय राम जी की। और कई बार देखो द्वेष में लोग क्या क्या कर जाते हैं, कई बार लोग द्वेष में तांत्रिक तक पहुंच जाते हैं, उसका फोटो लेके जाते हैं, भाई इस पे कर दो, ये हमारा शत्रु है, ये हमें अटका रहा है, फिर क्या क्या प्रयोग कर लेते हैं। कई बार रस्तों पे देखो सामान फेंक के चले जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये द्वेष ही तो है। इसलिए साईं लीला शाह सत्संग करते थे ना, और जब आखिरी में सत्संग पूरा होता था तो 3 बार प्रार्थना करते थे कि हे भगवान हम सबको सद्बुद्धि देना। क्या प्रार्थना करते थे? हे भगवान हम सबको सद्बुद्धि। कई लोग अपनी राह इस तरह भटक जाते हैं। देखो, भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, और विश्राम करते करते भगवान को अचानक से पेट में दर्द हुआ। आधे में से भगवान उठ गए, द्वार खोला और सामने उद्धव जी थे। भगवान उद्धव को बताएं उससे तो पहले सुदामा, ओ सुदामा, गुरुकुल की बात है। सुदामा भी धीरे धीरे आ गया, कहा प्रभु क्या हुआ? कहा पेट में बहुत दुख रहा है, जंगल जाओ और मेरे लिए थोड़ी सी ये पेड़ की बूटी ले आओ। तो उद्धव मन में सोचने लग गया, देखो सोच ही तो मनुष्य का परिचय है, बोले ये मंडा क्या चलेगा, ये तो आधा चलेगा और आधा समय खराब करेगा, भगवान मैं लेके आता हूं। तो निस्संदेह सुदामा जी पैर से थोड़े कमजोर थे, पर भाव में उद्धव जी से मजबूत थे, इसलिए भगवान ने आवाज दिया, पर इसने कहा नहीं पहले मैं जाता हूं। भगवान चुप हो गए। तो सुदामा ने कहा कि भगवान मुझे भी आज्ञा दीजिए ना। कहा जाओ पर देखो थक न जाना। तो सुदामा गया पीछे पीछे,
उद्धव जी गए तेज तेज। रास्ते में एक अंधी बहन रास्ता भटक गई तो सुदामा ने उसको धीरे धीरे हाथ पकड़ के रास्ता दिखाया। फिर एक गरीब बच्ची पेड़ में से पत्ते तोड़ के खा रही थी, फल तक नहीं जा पा रही थी, सुदामा ने उसको फल तोड़ के व्यवस्था करके दी। फिर एक गरीब मिला जिसको जख्म था, उसको पत्ते पीस के उसको धोती का टुकड़ा फाड़ के उसको लेप करके दिया। इतने में तो उद्धव जी पत्ते लेके वापस लौट रहे थे तो कहा, चल सुदामा अब वहां कहाँ जाएगा, मेरे साथ वापस चल, मैंने ले लिया। तो कहा, इसमें से कुछ हाथ में तो दो, सेवा क्या करूंगा, कुछ तो दो। तो सुदामा ने कहा, ये वैसे ही पहुंचने वाला है नहीं, तो थोड़ा उठा के दे दिया। जयराम जी की द्वेष का व्यवहार ही अलग होता है, वो कहीं ना कहीं इन आंखों से और इन बुद्धि से उसको महसूस किया जाता है। वो जो दवाई फेंकने का तरीका था ना, कहा ले चल तू भी ले ले, क्योंकि मन में उसको पता था कि ये लंगड़ा के चलेगा, ये पहुंचने वाला तो है नहीं, ये वाला भाव भीतर में था। इसलिए संत जब देखते हैं ना, वो बाहर नहीं देखते हैं, हमारे कहां देखते हैं, भीतर। जब आप बापू के दरबार में आते हो उत्तरायण शिविर में, लाखों की भीड़ तो लाखों को आनंद कैसे आता है, क्योंकि बापू जी आपको बाहर से नहीं देते हैं, बापू जी आपको भीतर से देते हैं। इसलिए जो आता है वो खुश होके जाता है कि मैंने कुछ पा लिया। क्या पाया, बोले नहीं पता पर बहुत अच्छा लग रहा है। वो अच्छा लगना ही निर्मल हृदय का गुण है, और संतों का हृदय तो इतना निर्मल होता है कि जहां दृष्टि डालते हैं उसका हृदय भी निर्मल हो जाता है। जयराम जी की, पीछे वाले बोलिए। तो कुल मिलाकर पहुंच गए उद्धव जी, पहले दरवाजा खटखटाया, बोले भगवान दवाई आ गई आप ले लीजिए। कहा हाँ हाँ, भगवान धीरे 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 आए हैं, दरवाजा खोला तो इतने में तो सुदामा भी आ गया, तो सुदामा ने भी दवाई दी। लेकिन सुदामा ने मुंह से कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो पहुंचा ही नहीं था पूरा, लेकिन उद्धव बोल पड़ा, बोले भगवान ये कहीं नहीं गया था, ये तो आधे रास्ते में ही खड़ा था, ये जो दवाई लाया ना मैंने दी है इसको, भगवान दवाई तो बोलो मैं लाया। जिसे द्वेष होगा वो बोले बिना रह ही नहीं सकता, वो बोलेगा मैंने किया है, शायद नंबर इसको ना मिल जाए। भगवान हंस पड़े, काना की लीला तो काना ही जाने, हंसते हुए बोलते मेरे को तो दर्द ही नहीं है, मुझे तो दवाई ही नहीं चाहिए। हाय राम, इतना दौड़ाया आप, कह रहे हो पेट का दर्द ही का ठीक हो गया। अब ये कथा कहां खुलती है, जब सुदामा आए थे ना भगवान से मिलने, तब एक दिन सुबह का समय था, उद्धव जी ने चरण स्पर्श किए थे काना के, काना की आंखें बंद थी और चरण स्पर्श किया तो कहा सुदामा तुम ब्राह्मण हो, पैर को हाथ न लगाया करो। तो उद्धव जी जोर से बोले सुदामा नहीं उद्धव हूं। तो कहा अच्छा अच्छा तू है। तो कहा भगवान आपको सुदामा के अलावा कुछ और याद भी आता है क्या। तो भगवान ने कहा मुझे लगा सुदामा है। कहा भगवान सच बताओ उसको इतना प्रेम क्यों करते हो, गुरुकुल में भी आप सुदामा सुदामा करते रहते थे। तब भगवान ने बताया याद है मुझे पेट में दर्द हुआ था। कहा हाँ। कहा तुम दोनों बूटी लेने गए थे याद है। कहा हाँ। कहा रस्ते में एक बुढ़िया मिली थी। कहा हाँ। कहा एक बच्ची मिली थी। कहा हाँ। कहा एक सूरदास मिला था। हाँ। कहा तीनों को मदद किसने की थी। कहा सुदामा ने। मैं तो दौड़ा दौड़ा गया और दौड़ा दौड़ा आया। तो कहा सुदामा वो तीनों कोई नहीं थे, मैं था, मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था। तो सुदामा जीत गए और तू हार गया। दुनिया की नजर में तू जीता था क्योंकि तू दवाई लेके पहले आया था, पर मेरी नजर में सुदामा जीता था क्योंकि वो मेरे सभी रूपों को प्रणाम करता है। गांठ नमन में बांधी, धागा लेते हैं ना माताएं कपड़े सिलने के लिए, माला बनाने के लिए, अगर उते गंड अच्छी वेंदी है तो गुल अग्या नहलंदो आ,
कपड़े में अज्ञान न वेंदो आहे, वो गंढ उते अटकी पवंदी आहे। इसीलिए अगर चाहते हो कि मेरा हृदय ईश्वर कृपा का पात्र बने, मेरा हृदय गुरु कृपा का पात्र बने, तो हमेशा अपने आप को निर्मल हृदय, छल छिद्र कपट मोहि स्वप्ने न भावा। तो पहला, जिसके मन में किसी के लिए भी द्वेष, बोलो नहीं हो। बोलना बहुत आसान है, लेकिन उस पर पूरा अमल करना बहुत कठिन है। मन है ना, वो कभी भी खिचाता नहीं करता है। इनके ब माड़ा मुखे एक माड़ो, इनके चार ड्रेसियों मुखे ब, इसको 20 तोला मुझे 15, खिचाता नहीं हो जाती है। जय राम जी की। दूसरा, ईश्वर मार्ग में कई बार हम अटक जाते हैं। कब? एक तो जब किसी से द्वेष हो जाता है, दूसरा जब हमें संशय हो जाता है। क्या हो जाता है? संशय। 5 किलो तपेली में दूध पड़ा हो और 5-10 टीपे नींबू के निचोड़ दो, तो वो दूध फटने के लिए काफी है। कितना सत्संग सुनाओ, कितना जप किया हो, कितना सेवा किया हो, लेकिन एक संशय का नींबू निचोड़ना काफी है। मंत्रा ने कैकई को क्या किया, उसके हृदय में क्या पैदा किया? संशय कि सब कुछ राम को मिलेगा, भरत को कुछ नहीं मिलेगा। जब जब दुनिया में किसी को कमजोर करना रहा है ना, किसी पार्ट को आपको वीक करना है, दो भाइयों को, पति पत्नी को, माँ बेटे को, गुरु शिष्य के किसी भी पावन रिश्ते को आपको कमजोर करना है ना, तो वो कमजोर करने के लिए सबसे बड़ी बात है संशय। क्या? बस इसकी कोई दवाई नहीं। भगवान ना करे ये कभी बीच में आए। ये आएगा तो आपकी यात्रा गतिशील, गतिमंद हो जाएगी। संशय ना आने दीजिए। जय राम जी की। एक गरीब बंदा था, बड़ी मुश्किल से दाल रोटी कमाता था, लेकिन पैसे कमाने की उसके अंदर बड़ी होड़ थी। तो एक दिन उसको एक पड़ोसी ने कहा कि कलकत्ता चल, मैं तेरे को वहाँ खूब कमा के दूंगा, चल वहाँ पे। तो बोला ठीक है। वो बोला पत्नी को बोलूँगा, उसकी पत्नी गर्भवती थी, कहा इसको बोलूँगा तो ये जाने नहीं देगी। तो वो रातों रात 4 जोड़े कपड़े लेके घर छोड़ के चला गया। कलकत्ता जाके उसने बहुत छोटे काम से शुरुआत की, क्योंकि वहाँ कोई देखने वाला था नहीं, और कमाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। तो वो कमाया 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 और 15 साल में तो समझो वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसको लगा अब घर जाने का ठीक समय है, गांव में जाऊंगा, नया घर बनवाऊंगा, शान शौकत से रहूंगा, पत्नी को सुख से रखूंगा, बहुत खुश। लेकिन जैसे गया छुपके था ना, कई लोगों का आदत होता है जो भी काम करेंगे वो थोड़ा छुपके करते हैं। खाना भी खाएंगे ना तो रसोड़े में मुंह उधर करके कब आलू मुंह में डाल देंगे पता ही नहीं चलेगा। जय राम जी की। अरे भाई सबनी जगह खाना है, बोले नहीं, कब खा के आएंगे पता ही नहीं चलेगा, छुपा हुआ नेचर होता है किसी का। तो ये आया भी रात को 1-1.5 बजे, धीरे से दरवाजा खोला तो इसकी पत्नी के साथ एक जवान लड़का सोया पड़ा था। उसी क्षण उसका हाथ उसके गले में था और उसका हाथ उसके गले में था, तो इसके मन में क्या उत्पन्न हुआ? संशय। 15 साल बाद आया, पत्नी को ऐसे देखा, सोचा सत्यानाश हो, मैं चला गया तो देखो कैसी हो गई। बड़ा दुखी चित्त होकर चला गया उसके मायके। सुबह तो उसके गांव में जाके बहुत हल्ला मचाया, उसके ससुराल वालों को खूब खरा खोटा सुनाया। ससुर बहुत समझदार था, बोले 15 साल तू गया और आज आक्रमण तू कर रहा है, पहले तो तू बैठ, इतना सुना किस रहा है। तो उसने बोला देखो मैं रात को ऐसे देख के आया हूँ। बोले वो आज भी तेरे नाम का टीका लगाती है,
आज भी मेरी बेटी सदाचारी है, तू क्या देख के आया, चल साथ में, बस छुप छुप के काम करना है, छुप छुप के क्यों, सीधा चल। वो जवाई को लेके आया, पत्नी ने तो प्रणाम किया, तो बोला पूछ रात्रि को कौन सोया था साथ में, कहा आपका बेटा था। जयराम जी की 15 साल में तो लड़का बड़ा हो गया। कहा अच्छा तो माँ बेटे सोए थे, कहा हाँ। तो संशय की गांठ खुल गई, पर वो जो 2 दिन थे उसके मायके जाना, हल्ला करना, अपना मन बुद्धि खराब करना, मानो उसके जीवन में जितना उनके लिए प्रेम था वो सब खत्म हो गए। तब तक तो उसने दिमाग में क्या 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 और क्या नहीं सोच लिए। नींबू का काम करता है, इसलिए कभी गुरु मंत्र के प्रति संशय नहीं कि मेरा मंत्र छोटा तो नहीं है, इसका मंत्र बड़ा तो नहीं है। सत्संग के प्रति संशय नहीं, गुरु आज्ञा के प्रति संशय नहीं, गुरु के प्रति संशय नहीं, गुरु वचनों के प्रति संशय नहीं। जितने प्रतिशत श्रद्धा उतना लाभ ज्यादा। जयराम जी की, इसीलिए निवेदन है मेरा आपसे, इसमें नहीं उलझे, दृढ़ता तटस्थता, मेरे गुरु मेरे हैं। पतिव्रता नारी का लक्षण क्या है? पतिव्रता नारी का लक्षण यही है कि जिसके जीवन में उसका पति एक होता है। चरित्रवान पुरुष का लक्षण क्या है? जिसके जीवन में उसकी अर्धांगिनी एक होती है। सत शिष्य का लक्षण क्या है? जिसके जीवन में सतगुरु एक होते हैं। दो की बात नहीं होती है, इसलिए संशय कभी मन में न लाई। मैंने पिंपरी के सत्संग में, वहाँ भी सिंधी समाज है खूब, तो मैंने उनको प्रश्न पूछा था कि गुड़ का स्वाद चौ मीठा कैसा होता है? मीठा। अग्नि के सामने बैठ के खाओ, बोलते जाओ मीठा। ऊंधा लटक के खाओ, फ्रिज के सामने खाओ, कश्मीर में जाके खाओ, नाव में बैठ के खाओ, प्लेन में बैठ के खाओ, लड़ते हुए खाओ, क्योंकि गुड़ तो है ही। अब कोई आपको संशय पैदा कर दे कि इसमें नमक है, अब आप देखो कहाँ जा रहे हो। तब भी आप इतनी दृढ़ता से रहो कि नहीं गुड़ तो जीत जाओगे। बाकी संशय का तो काम है, वो तो जरूर माया फेंकेगी कि शायद ये ईश्वर के रास्ते से हिल जाए, तो एक पैसेंजर गाड़ी से और कम हो जाएगा, लो बाबा वजन घटते थोड़ो। माया तो अपना काम करेगी, वो अपने पति से किसी को भी मिलने नहीं देती है, क्योंकि उसको पता है जो मेरे पति से मिल जाएगा वो वहीं रह जाएगा, इसलिए वो सबको अपने पति से मिलने बहुत दाव फेंकती है, और लास्ट में जो किसी दाव में नहीं आता है फिर वो उसको पकड़ के अपने पति के पास ले जाती है और कहती है भगवान मैं हार गई और ये लो आपका बंदा, तब देती है जाके। कम थोड़ी है ये, बहुत जोरदार है। संशय हो गया मतलब क्या होगा पता है? करी कराई साधना, कांटे की नाई चुभन होती रहेगी। ये चुभन न होने दीजिए, आहार शुद्ध रखिए, व्यवहार शुद्ध रखिए। संशय हो जाए तो संतों के सम्मुख बैठ के निवारण कीजिए, उसको खोलिए समझिए, लेकिन मन में उसको बहुत गहराई में आने नहीं दीजिए, वरना वो आपकी साधना को खोखला कर देगा, आपके रिश्तों को खोखला कर देगा। जयराम जी की। तो पहला अवगुण जो दूसरों को देखकर द्वेष करता है, दूसरा अवगुण संशय, संशय उत्पन्न कीजिए। तीसरा सद्गुण है, अवगुण है घृणा। घृणा को सरल भाषा में कहूं तो नफरत। कई लोग पुराने प्रसंगों को लेकर
पुरानी लेन देन को लेकर, वाद विवादों को लेकर ऐसी मन में घृणा बांधते हैं जो कहते हैं कि मरता मर जाऊंगा पर इसकी शक्ल नहीं। ये कई बार फिर से जन्मने और मरने का कारण बनता है। इसीलिए किसी से भी ऐसी घृणा नहीं करनी चाहिए। देखो, युद्ध तो प्रभु श्री राम और रावण की हुई थी, लेकिन युद्ध करते करते लक्ष्मण जी को गांठ बंध गई। अब अंत में जब रावण शरीर छोड़ा था तो भगवान ने लक्ष्मण को कहा कि रावण से कुछ ज्ञान ले लो, ऐसे ज्ञानी फिर से धरती पर नहीं आते। लक्ष्मण को बात बिल्कुल नहीं समझ में आई, कहा अब उसके पास क्या जाना। भगवान ने उसको जो मारा वो दूसरा कारण था, तो भी भगवान को रावण के प्रति द्वेष, यहाँ द्वेष बन गया, घृणा हो गई कि ये मेरी भाभी को ले गया, मेरी माँ को ले गया ऐसे। तो भगवान ने कहा, तो वो भगवान की बात रखने के लिए रावण के सिराने जाके खड़ा हो गया। बोले दे दो, भगवान बोल रहे, बोलो जाओ राम जी को बोलो नहीं देना है। तो वापस आया, बोले क्या हुआ, बोले मना कर रहा है। बोले तू कहाँ खड़ा था, बोले सिराने, बोले जिसको लेना होता है वो चरणों की ओर खड़ा रहता, क्योंकि घृणा इतनी थी तो उसके सामने ज्यादा जाने की इच्छा ही नहीं थी। नफरत, द्वेष मीठी चुभन होती है, बाहर से नहीं दिखाया जाता, अंदर अंदर पनपता है, और घृणा तो नफरत सामने की जाती। तो ये मनुष्य को कई बार साधना के मार्ग से गिरा देता है। इसलिए संत एकनाथ जब नदी से स्नान करके आ रहे थे तो गांव वालों ने तैयार किया कि एकनाथ जी के ऊपर थूकना है, और 100 बार कहते हैं किताबों में, शास्त्रों में आता है कि थूका उसके ऊपर, 100 बार डुबकी लगाई गोदावरी में, आखिर 101 बार उसके मुंह में थूक ही नहीं थी। कहा क्या हुआ, कहा थूक ही नहीं है मुंह में, क्या थूक, गिर गया चरणों पे और घृणा क्षमा का रूप ले ली। इसलिए निवेदन है, संसार में परिस्थितियां आएंगी और बोलो जाएंगी, विचार भक्ति ये जो है ना, ये मनुष्य की धरोहर है। इसीलिए किसी से घृणा मत कीजिए। शिवानंद सरस्वती कहते हैं बहुत ज्यादा रिश्तों में जाओ ही मत, जो बहुत ज्यादा रिश्तों में जाता है ना उनके रिश्तों में से मिठास निकल जाती है। बहुत ज्यादा मत जाओ, हर पल पल की किसी की खबर मत रखो, बहुत ज्यादा किसी की जीवन में डेप्थ में मत जाओ। तू कल छो ना आई है, वो किडे वही है, भले 6 बजे ही अच्छे यहाँ, 7 छो ना आई है, वो 7 बजे कितने हुई है, नहीं मत जाओ, नहीं तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। आई ठीक है, नहीं आई पूछ लो, बताए तो आनंद, नहीं बताए तो आनंद। उल्लासनगर में साई शांति प्रकाश जन जो आश्रम आए, वडा शांति प्रकाश जन होते रहंदा हुआ, तो उन्हनि जे आश्रम में तव्हां वेंदा ना 5 नंबर में, त हुते बोर्ड लॻायो अथऊं। छा बोर्ड लॻायो अथऊं, चओ आओ तो वेलकम, चओ आओ त वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। बोलो डर क्यों रहे हो, आओ तो जाओ तो बुरा क्या है, आओ तो स्वागत है, नहीं आओ तो एक आदमी कम हो गया। रंग अवधूत महाराज बरूच में रहते थे, नर्मदा किनारे, बापूजी उनके आश्रम जाते थे कभी कभी, उन्होंने अपने आश्रम में बोर्ड लगा रखा है, बोलो जो आए उसको 1 सलाम, जो जाए उसको 100 सलाम, जो लौट के कभी ना आए उसको 1000 सलाम। बोला बाबा ऐसा बोर्ड लगाते हो, बोले और क्या, फिर आएंगे हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारा पोता, नहीं है नहीं। बोले बाबा फिर भी कोई आए, बोले फिर भी कोई आएगा तो वो सत्संग और ज्ञान के लिए आएगा, फिर वो संसार के लिए नहीं आएगा। इतना पढ़ने के बाद भी वो नहीं छोड़ रहा है तो उसको कुछ चाहिए जरूर संतों से, और चाहिए तो संतों ने द्वार उन्हीं के लिए खोला है। जय राम जी की। तो पहला, किसी को भी देखकर मन में द्वेष ना करें। दूसरा, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में किसी के लिए, महापुरुषों के लिए, शास्त्रों के लिए संशय ना करें। आज आए भी
तो उसका समाधान कीजिए, उसको खुल को बोलिए, देखिए, समझिए, तो परत हट जाएगी। वो बोला देखो मेरी पत्नी सो रही है, पर पता चला कि मेरा बच्चा जवान हो गया है, माँ बेटे सोए थे एक साथ। निवारण कीजिए। दूसरा, किसी से भी घृणा नहीं कीजिए। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं भरा। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। मेले में शक्कर से खिलौने बनाए जाते हैं, अलग अलग बच्चे जाते हैं, वो कहता हाथी चाहिए, बोले घोड़ा चाहिए, ऊँट चाहिए, पिताजी सबको दिलाते हैं, लेकिन पिता अंदर अंदर हंसता है कि अरे तुम सब जो अलग अलग ले रहे हो भले लो, पर ये बना हुआ तो एक ही से ही है, वठो जेको खपे हो वठो, पर अंदर पिता हंसता रहता है। ऐसे ही सदगुरु हमको देख के हंसते रहते हैं कि ये ऐसा, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, अरे सभी शक्कर के बने हो, कहीं नहीं जाने वाले, इसलिए गांठे मत बांधिए। निर्मल हृदय कीजिए, पवित्र कीजिए। बहुत सुंदर पाठ करवाती हूँ, फिर बाकी के तीन सद्गुण अवगुण और बताती हूँ। यह कृष्ण का उपदेश है। जो खाइए जो पीजिए, जो हो आत्मा सदा ही संग है, यह वेद का
वैसे इसका नाम माधव, भगवान के नाम से इस मास का नाम था, लेकिन उच्चारण करते करते ये माघ मास हो गया। भगवान का मधुर से मधुर नाम है माधव, और मधुराष्टकम भगवान के नाम से गान किया जाए तो घर परिवार में मधुरता आती है, स्वभाव में हृदय में मधुरता आती है। तो अंतिम पाठ मधुराष्टकम पुष्ठ क्रमांक 6। अदरम मधुरम वंदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम सख्यम मधुरम
जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय हरि दीन दयाल हरे। भगवान का नाम सर्वकला संपन्न, मंगल करता, दुख हरता, आनंद भरता, ऐसे भगवान के नाम का रोज जप कीर्तन, माला पे जाप, सोते जगते खाते पीते अवश्य करना चाहिए। कई बार कई लोग परेशान होते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हम भगवान का भजन कैसे करें। अगर बहुत गहराई से सोचोगे और समझोगे तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो भगवान का भजन तो और बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि नकली धन तो नहीं मिल रहा है तो कम से कम असली धन तो मिले। भाई सिंधी हो, एक व्यापार तो करो, जय राम जी की। इसलिए नाम स्मरण कलयुग में अनंत फलदायी है। जो यहीं से लिया वो यहीं छूटेगा। फिर भी लौकिक जगत की दृष्टि से कह के जा रही हूँ कि अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती हो तो हर बुधवार को गाय को चारा खिलाएं, पालक खिलाएं, सुबह मूंग भिगो के रखें, रोटी के ऊपर मूंग रख के, गुड़ रख के गाय को खिलाएं। जिनका स्वास्थ्य बुध की महादशा के कारण अच्छा न रहता हो वो भी इस प्रयोग को करें। जिन बच्चियों की शादी नहीं होती हो वो गुरुवार के दिन सुबह पानी में हल्दी डालकर स्नान करें, पीला वस्त्र पहने और चने की दाल भिगो के रखें, फिर पानी से निकाल कर बड़ी रोटी बनाएं, फिर रोटी के ऊपर रख के गुड़ गाय को खिलाएं। इससे उनका बृहस्पति अच्छा होगा। पीला प्रसाद गुरु मंदिर में चढ़ाएं, गुरुद्वारे में चढ़ाएं, इससे भी बृहस्पति मजबूत होगा तो उनका विवाह का कार्य जल्दी होगा। प्रश्न आता है यदि लड़के का विवाह नहीं हो रहा हो तो वो शुक्रवार के दिन भगवान के मंदिर में सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, मिश्री शिवालय में रखें, शुद्ध घी का दीपक करें तो उनका विवाह भी कोई ना कोई प्रस्ताव जल्दी आएगा। और एक आखिरी उपाय, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती हो वो रविवार को नमक बिना का भोजन करें, दलिया खाएं, मीठी रोटी खाएं, दूध के साथ फुलका खा लें, हलवा खा लें। ऐसा करके वो मीठा भोजन करें, सूर्य को जल चढ़ाएं। 11 से 15 रविवार ये भी गुजरेंगे ना तो निस्संदेह उनके कर्ज से मुक्ति का, आर्थिक संपन्नता का कोई ना कोई सूर्य कृपा से रास्ता जरूर खुल जाएगा। तो ऐसी कोई परेशानियां जीवन में हो, कोई ऐसा विचार करता हो मैं घर छोड़ के चली जाऊं, मैं आत्महत्या कर लूं, नहीं, ये वैदिक उपचारों को आप और बढ़ाएं, आपको लाभ होगा। और धीरे धीरे कष्ट आता भी है तो कष्ट जाता भी है। असांजी नानी चवंदी हुई कि दुख आहे ना वो ईंदो घोड़े वांगुर आहे ऐं वेंदो जूअ वांगुर आहे। त जूं माने क्या बोलते, सिर में जू होती है ना, वो दुख है ना जू के जैसे जाता है और आता तो है घोड़े के जैसे, तो आते समय तो कब आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए अपना जप मजबूत रखी, अपना तप, अपना बल मजबूत रखी ताकि सुख दुख तो आते रहेंगे और आते रहेंगे और जाते भी रहेंगे। ऐसा कौन माईलाल का नहीं घर कि जिसमें ये रहते ही हों, आया है सो जाएगा और जाएगा तो फिर लौट के भी, इसके लिए भी तैयार रखो, कभी ना कभी तो आएगा। वो सोचते हैं बेटा बड़ा हो गया अब शादी कर लो, भाई बहुत खुश होते हैं शादी धूमधाम से की 100 तो आइटम रखे उसमें, और फिर क्या बोले बहू आएगी, बोले क्या करेगी, बोले आके पैर दबाएगी, पर पैर तो न दबाई, कुछ और दबा दी है? तो उस समय दुखी नहीं हो तो ज़्यादा पैर दबाने की अपेक्षा ही नहीं रखो। हम लोग किसी के घर गए थे तो उसकी सासू माँ बोल रही थी कि मेरे बहू को समझाओ, वो सुबह एक ही बार आटा बांधती है
और जब बोलो रोटी बनाओ तो डब्बा निकालती है और वो गुल्ला बना के उससे रोटी बनाती है। अरे भाई आटे बांधने में कितनी देर, बड़ों को ऐसा लगता है ना कि आलस क्यों करते हो, आटा कितने मिनट में बनता है। तो फिर मेरा तो विषय नहीं था, फिर भी सुबह वो आटे से रोटी बना रही थी तो इतना आटा था, तो मैंने कहा एक ही बार बांध दिया क्या? तो बोले हाँ सुबह उठ के पहले बांध देती हूँ, फिर जब कोई खाता है निकालती हूँ, फिर नहीं तो अंदर डाल देती हूँ। तो मैंने कहा फिर आटा ठंडा नहीं हो जाता है? तो बोला आटा ठंडा होता है पर रोटी गर्म होती है। मैंने कहा बात तो सही है, आटा भले ठंडा होता है पर रोटी तो, बोले फुल्को थोड़ी था दो डीनियन फुल्को था। तो मैंने उसकी सासू माँ को बोला शुक्र कर फुल्को गर्म तो मिला ही, न तो फुल्को भी थदो मिलंदी माई चुपचाप खाई वठी हो, न तो खबर पवंद अटो तो थदो आ फुल्को भी थदो अई, इन कर खा प्रेम से समझाई चई हाँ भाई हाँ यो शुक्र कर वो साफ तो चे थी कि भाई अटो थदो आ पर फुल्को तो खाओ ना थदो थोड़ी थी जाव। मां चा हाँ भाई धन्यवाद आई, धन्यवाद करे हलो आनंद करे हलो, घर में क्लेश थे अड़ी गाल के उत्पन्न थे न दियो, ए कदी थी भी वने तो वरी सुबह जो सोचो भाई रात गई तो बात गई जो बीत गई सो, ऐसे विशाल हृदय करके चलाओ तो ग्रस्त आश्रम चलेगा, वरना ग्रस्त आश्रम रुक रुक के अटक अटक के चलता है। नारायण हरि नारायण। जिनकी वाणी बहुत तीखी हो, मुंह खोलता है तो लगता है तीरों की बरसात हो रही है, ऐसे जीव को बुधवार के दिन सुबह स्नान पानी करके पहली वस्तु मुँह में गुड़ डालनी चाहिए। वाणी का कारक ग्रह बुध होता है, तो जो बुधवार के दिन गुड़ दान करे गुड़ खिलाए गुड़ खाए तो उसकी वाणी मीठी होती है। नारायण हरि नारायण। और अगर अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं हो ना तो बुधवार के दिन 2 घंटे मौन रख लिया करो, और लगे मेरे कारण घर में वातावरण खराब है तो रोज ही 2 घंटे मौन रखा करो, नहीं तो कल एक प्रसंग बताया था ना जी लगे वह झगड़ो थियण वारो तुरंत मुँह में पानी भरे छी ने चई भाई छो नथी गालाए चई मुझे मुँह में अमृता बस बंद है। किसी भी तरह क्लेश से बचो, क्योंकि जहाँ क्लेश आता है ना वहाँ से लक्ष्मी चली जाती है, इसीलिए आनंदमय भक्तिमय वातावरण रखिए। चलिए सत्संग को आखिरी सत्र की ओर ले चलती हूँ। पहला, जो दूसरों से द्वेष करे वहाँ ईश्वर कृपा ठहरती नहीं है। दूसरा, जो दूसरों से क्या करे, दूसरों पे क्या करे, संशय करे गुरु मार्ग पे ईश्वर मार्ग पे, जिसके मन में क्या हो संशय उसकी उन्नति नहीं हो सकती। तीसरा, जो किसी से घृणा करे। देखो चौथा संतों ने क्या बताया है, मैं क्या पता आपके सामने बोलूं कि नहीं, क्योंकि आप सब गृहस्थी हो, तो भी बोल रही हूँ क्योंकि संतों ने लिखा है तो मुझे बोलना है। संतों ने लिखा है कि उसे जीवन में बहुत बार दुख उठाना पड़ता है, उसे जीवन में बहुत बार कष्ट उठाना पड़ता है। बोला किसको? बोला जिसको द्वेष है, जिसको संशय है, जो घृणा करता है। चौथा लिखा है कि जो दूसरों के सहारे जीता है उसको भी जीवन में कई बार कष्ट उठाना पड़ता है। देखो कहाँ लिखा गया है। तो संसार में रहने की मनाही नहीं है, संसार में व्यवहार करने की मनाही नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी के सहारे मत जी। कई बार मैं समाज में घूमती हूँ तो देखती हूँ लोग मुझे किसी व्यक्ति से मिलवाते हैं और मुझे कहते हैं कि भाई ये मेरा मुंह बोला बेटा है। समझ गए आप लोग, मुंह बोला बेटा मतलब नया रिश्ता बनाया है। फिर कई बार बोलते हैं ये मेरा मुंह बोला भाई है। तो ऐसे रिश्ते जो बनाए जाते हैं वो समय और कष्टों के आगे फिर ऐसे रिश्ते कई बार बिखर जाते। इसीलिए शांति प्रकाश महाराज कहते हैं आओ तो वेलकम। तो रिश्तों की बहुत गहराई में मत जाओ, जाओ निभाओ उनमें, परमात्मा देख के उनकी मदद करो, पर उनके सहारे जियो नहीं। जयराम जी की माता कौशल्या का अति प्रेम था राम जी से अति, इसलिए जब 13 साल पूरे हो गए थे तो जो अयोध्या का नगर द्वार था वहाँ जाके माता कौशल्या बैठ जाती थी। कई बार भरत वहाँ से माँ को ले आते थे, यहाँ क्यों बैठ जाती हो? तो कहा राम आने वाला है, तो कहा अभी 1 वर्ष बाकी है। जयराम जी की। तो ईश्वर के सहारे जिए, भगवान के सहारे जिए, पर संसार के लौकिक रिश्तों का बहुत आधार मत लिए।
क्योंकि कई बार संसार में कब किसका बुलावा कहाँ आ जाता है किसी को भी पता नहीं। एक माई आश्रम में आई, एडो रोए मुखे लगो कि इन जे घर में जरूर कुछ थियो आए। उनके ऋषि माँ दुखी थी हम। आखिर माँ वरी पुछो मास माँ चो भेण बुधायो माँ कुछ मदद कया तो चई दाढ़ी दुखी आया मुखे लगो कोई वडो पहाड़ होंदो जरूर। तो मुखे बुधाई कि भाई मुझे छोकरे की शादी थी माँ चो तो नूह ठीक ना ही आए छा तो चई न नूह तो सुठी आई है छोकरो ही मो खराब निकतो है। तो माँ चो छो छा कहीं चई जडी खां जाल आई तस तदी खां उन सा ही रोटी तो खाए। तो माँ चमस पो तो चई पैरों मूसा खाइंदो हुयो हाँ उन सा तो खाए। तो माँ चो सदा ही खाए वो जाल इन करे तो वी आया रोटी खाने के लिए। तो चई भले खाए पर मुख्य एतरो तो पुछे कि खादई के न खादई। तू देखो दुख का कारण क्या निकला। मुझे बहुत हंसी आई पर मैं हंसी नहीं। मैंने कहा वो सोचे कि मैं रो रही हूँ और ये हंस रही है मेरे को हंसी आई। मैंने कहा हमको तो कोई नहीं पूछता हम तो खुद ही डब्बे में लेके खा लेते। भाई भूख लगी खाना खाया पूछेगा कोई क्या खाना खाया। तो कई बार लोग दुखी इसलिए होते हैं कि इसने मेरे को पूछा नहीं इसने मुझे दिया नहीं इसने मुझे बोला नहीं मेरे से हंसा नहीं इसने मुझे फ़ोन नहीं किया। अरे अच्छा किया नहीं किया भाई कौन कान खराब करेगा इतने वैसे ही खराब हो रहे। बहुत ज़्यादा मत सहारे जियो। सहारा लेना हो तो प्रभु का लो सत्संग का लो ईश्वर का लो बाकी सब में राम। सबको प्रणाम जय राम जी की। बहुत गहराई में बोलूँ तो अपने जने हुए बच्चों के भी बहुत अधिकार मत रखो उसके सहारे भी बहुत ज़्यादा मत जियो। बहुत अच्छे संस्कार दो इतने अच्छे संस्कार कि उसको देख के लोग पूछें तेरे माँ बाप का नाम क्या है तू किस गुरु का शिष्य है ऐसा बच्चा का संस्कार ही दो। लेकिन बहुत अंदर में सोचो ये बहू की अमानत है जयराम जी की। बेटियों को ऐसा लायक बनाओ कि झाड़ू पहनते समय उसको ससुराल में संकोच ना हो तो रानी बन के बैठने में भी उसको गुमान वहां से ससुराल से संदेश आए भी छोकरी हुए तो असांके दे जो ऐसी बेटी बनाओ। लेकिन फिर अंदर से समझो ये जवाई की अमानत। शरीर को नहलाओ धुलाओ खाओ लेकिन बापू बोलते अंदर पक्का रखो कि ये शमशान की। बस कुछ चीज़ें ना अंदर में पक्की रखी जाती हैं वो जितनी पक्की होंगी उतनी बाहर से आपको मार कम पड़ेगी और जितनी बाहर से मार पड़ेगी उतनी आपको अंदर चोट नहीं लगेगी क्योंकि आपका अंदर सत्संग का कवच है आपके पास। तो बहुत ज़्यादा किसी के सहारे मत दियो। जो जितना जिसके सहारे होगा चाहे वो धन है चाहे वो संपदा है चाहे वो मान अपमान है मान सम्मान है चाहे वो रिश्ते हैं जितने सहारे होंगे उतनी चोट ज्यादा। मैं नई नई सत्संग करने गई ना बहुत खुश थी बहुत खुश थी। आप लोग तो कुछ नहीं हो इससे 10 गुना भीड़ और सोचो मैं कितनी खुश होऊंगी। पहली बार वो भी गेडा माणू मुखी बुधन आयन इतनी खुश गुब्बारे की नहीं फूल गई एकदम। भाई वाह भाई वाह भाई वाह। लेकिन जैसे बापूजी से मैंने बात की तो गुरु तो नाप लेते हैं तुरंत कि ये कितनी हवा में आई है तुरंत नाप गए मुझे और तुरंत बोला कॉपी पेन है। मैंने कहा जी तो कहा लिखो बोलो प्रतिष्ठा को बोलो सुअर की विष्ठा जैसा समझना चाहिए। और मैं तो प्रतिष्ठा भर के आई थी और बापू बोल रहे हैं कि इसको क्या समझो पूरा टायर पंचर। यही गुरु का काम है यही गुरुओं का एहसान है कि वो इतनी हवा भरने ही नहीं देते कि जन्म मरण में जाके भटके वो उसको वहीं खोल देते हैं। वो नसीब वाला है जिसकी चाबी गुरुओं के हाथ में है वो नसीब वाला है जिसकी गुरु पंचर करते हैं। भाग्यशाली है जिसको कोई तराशने वाला है बाकी तो दुनिया जी रही है क्या बात है जयराम जी की। इसलिए बहुत ज्यादा किसी का सहारा मत लिए। तो जैसे प्रतिष्ठा का सहारा लिया शिष्य को समझा दिया कि ये क्या है सुअर की तो वहाँ कोई खड़ा थोड़ी रहता है हम बाहर चलो सत्संग हो गया सेवा कर ली अब वहाँ से चलो फिर तुम्हारा नंबर दो फिर तुम मेरी बहन हो फिर मैं फ़ोन करूँगी समझो तुम फंसी। आया सुना गया बैठा सेवा की जय राम जी की बस पूरा। सीखो नहीं सीखोगे तो प्रकृति सिखाएगी। गुरुओं से सहज में सीख लो इसको बोलते हैं जीवन जीने की कला।
युक्ति से, सहारा नहीं, भीतर से पक्का, बाहर से नहीं। बोलो मत बार बार मुखे तो केर न खपे, छो भाई सब तो खपई छा न खपई। अंदर से पक्के बनो, बाहर से नहीं। बाहर व्यवहार पूर्ता चलते चलो, चलते चलो, पर अंदर सावधानी। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मैं गुरु का हूँ, गुरु मेरे हैं। मैं सत्संग का हूँ, सत्संग मेरा है। मैं सेवा का हूँ, सेवा मेरी है। मैं ज्ञान का हूँ, ज्ञान अंदर ही। बाहर व्यवहार में पूर्ता 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 चले, बस तो आपको चोट नहीं लगेगी। पांचवा, वो साधक उन्नत नहीं हो सकता जिसके जीवन में असंतोष का अवगुण है। वो जब देखो कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई कमी, तो वो ईश्वर प्राप्ति की यात्रा नहीं कर सकता। मैं आपको क्या बताऊं, सिंधी समाज को माँ थोड़ा नहीं अग अजमेर वही है। तो एक भेण मूसा मिलन आई, एक बहन मुझसे मिलने आई, वो गूंगी थी और बहरी थी। देखो आंखों देखा ना, मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत याद आती है कभी कभी। गूंगी थी और बहरी थी, लेकिन वो प्रसाद बना के आई और मेरे को दी और कुछ कुछ बोल रही थी, पर वो इतना चिपटा हुआ था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रही थी और जीवा में तारे तो थी नहीं। तो भी मैं उसके भावों को समझ गई। मैंने कहा ये लड्डू बनाए हैं, खाऊं मैं, बांटूं? हाँ हाँ हाँ। तो फिर मैंने साथ वाले को पूछा कि किथे रांधी है, तो बोले यहीं पास में रहती है, पति है, दो बच्चे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो उसने बोला सुनती भी नहीं है और बोलती भी नहीं है, लेकिन दिखने में बहुत सौम्य है और हृदय बापू के लिए उसका प्रेम से भरा हुआ था। तो वो लड्डू जो लाई थी ना, वो बोल रही है मैं आप में उसी गुरु के दर्शन करके आपको दे रही हूँ। तो मैंने उसकी साथ वाली को पूछा इससे शादी किसने की, तो उसने बोला जिसने शादी की वो बिल्कुल ठीक है, जयराम जी की। तो मैंने कहा फिर कैसे की, तो उसने बोला बहन जी इसकी किस्मत। कभी कभी ऐसे प्रसंग देखती हूँ, और बच्चे इतने अच्छे थे उसके, बिल्कुल कान आँख सब ठीक, और उसका पति उसको इतना व्यवस्थित रखता है, इतनी कि उसको कोई कमी। तो उसने मुझे चिट्ठी में लिख के दिया ये मेरे गुरु की कृपा नहीं तो और क्या है। तो ऐसे प्रसंग सुनती हूँ तो लगता है कि कैसे समाज में लोग हैं जो संतोष है। मैंने उसके पति को पूछा, बोले बहुत आनंद है, सब कुछ तो दिया है मुझे उसने, बोलती नहीं है, थोड़ा थोड़ा मुँह हिलाती है तो मैं समझ जाता हूँ, और वो मेरी आंखों से पूरी बात पढ़ लेती। कहा दिमाग तो हमसे भी ज्यादा है, वो बापू का सत्संग स्पीकर कान पे रख के सुनती है, एकदम ऐसे रख के वो बोलती है, मुझे समझ पड़ती है बापू क्या बोलते हैं। फिर भी जीवन में उसके इतना संतोष था, मुख पे इतना आनंद था, तो मुझे लगा हे भगवान ये धन सबके पास होना चाहिए। तो परिस्थितियां तो बदलती रहेंगी, किसी को कुछ मिलेगा किसी को कुछ, पर भगवान को बोलना हमें संतोष दे। क्या दे, बोलो जो जहां है, अगर वो वहां सुखी नहीं है तो कभी भी कहीं भी सुखी नहीं हो सकता। जहां हो वहां क्या रहो, सुखी रहो। एक वृद्ध माता जी सिंधी समाज की, पांच बेटे तीन बेटियां, कितने बच्चे हुए शायद यहां अभी तो किसी को भी नहीं होंगे, बस एक दो में पूरा हो, आठ बच्चों की माँ, उम्र 83 साल, चौथी मंजिल पे रहती थी, सुबह बाथरूम में उल्टी गिर गई, बहुत उठने की कोशिश की लेकिन एक घुटना वहीं पर दब गया, तो पूरी देर उल्टी पड़ी रही। तो अंदर से आवाज़ आई, वो राधा स्वामी पंथ को मानती है, अंदर से आवाज़ आई कि नाम जप कर, तो सुमी करे छा करनी है, तो उल्टी लेटी लेटी बाथरूम में नाम सुम करी। जब तक घर में कोई उठे, 7:30 बजे देखा कि अम्मा नहीं है, वो दरवाजा बाथरूम का बंद, तोड़ा तो अंदर उल्टी पड़ी हुई है। स्ट्रेचर मंगवाया, उसको उठा के हॉस्पिटल में लेके गए। पांचों बेटों ने 500-500 रुपए दिए जयराम जी की, एक काम वाली बाई रख के दी और कहा हम दिन में 10 मिनट में आएंगे और मिलकर चले जाएंगे। तीनों बेटियों ने एक एक टाइम रोटी दिया, पर कोई उसके साथ रुकने को तैयार नहीं था। साधक ही हैं, मैं उनको बहुत पुराने जानती हूँ,
तो मैं वहीं से गुजर रही थी, मुझे पता चला वो हॉस्पिटल में है, तो मैं मिलने चली गई। तो मैं जब मिलने गई, मैंने सोचा पक्का दुखी होंगी, तो मैं गई तो इतनी आनंद, इतनी खुश बैठी थी। मैंने कहा कैसे हो, कहा बहुत अच्छी हूँ, जिसने पाप किया था उसको दंड मिला है, मैं बहुत ठीक हूँ। तो मैंने कहा फिर पाप किसने किया था, तो कहा घुटने ने। तो कहा दंड किसको मिला, घुटने को। तो मैंने कहा आप कौन हो, तो कहा मैं घुटना नहीं हूँ। तो मैंने कहा आप कौन हो, कहता मैं तो गुरु की हूँ, और गुरु मुझे गोडो नाए गोडे के लगो आ जै कह उन्हें भरे हुआ माँ पहनी मौज मेठियाँ। फिर उसने बोला बगल वाली देखो राधा स्वामी मिली है, हम दोनों सुबह से रात तक गुरुओं की बातें करते रहे और भजन गाती थी दोनों खूब मिलके। तो डॉक्टर और नर्स कहती थी सुनाओ सुनाओ हमको अच्छा लगता है, तो पूरे दिन भजन सुनाती रहती थी। वहाँ जाके भी उन्होंने असंतोष को संतोष कर, ये सत्संगी के जीवन जीने की कला है, ये गुरु सिखाते हैं, ये संत सिखाते हैं। ये जितना आपके जीवन में होगा ना आप उसको मोड़ दोगे, और जितना नहीं होगा आप उतनी फरियाद करोगे। जयराम जी की अंतिम बहुत छोटी बात लिखी है लेकिन बहुत काम की लिखी है। छोटी छोटी बात में क्रोध, बोलो तो। कई बार लोग बड़े बड़े बातों को तो खा जाते हैं पर छोटी छोटी बात में क्रोध हो जाए। मेरी दही में नमक क्यों डाला, मैंने बोला था ना शक्कर डालना। मेरी चादर ऐसी क्यों बिछाई, मेरी थाली ये क्यों रखी, आज ये दाल क्यों बनाई, चाय में शक्कर ज़्यादा क्यों डाली, दरवाज़ा बंद किया क्यों नहीं। ऐसी छोटी छोटी बातों में कई बार क्रोध करते करते हमारा स्वभाव बन जाता है, लेकिन ये सत्संग की अमृत वर्षा होती रहेगी ना। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, कल साधक लोग बता रहे थे कि यहाँ बार बार संत समागम होता रहता है और संत आते रहते हैं, महापुरुष यहाँ पर दरबार भी है, सिंधी समाज वहाँ जाता रहता है, सेवा करता रहता है। तो भगवान करे आप संतों के चरणों से, गुरुओं के चरणों में जुड़े रहें, गौ की सेवा, गरीबों की सेवा, कन्या की सेवा करते रहें। आज तो मुझे हमारे समिति के प्रमुख ने बहुत अच्छी बात बताई कि पहले जो भोजन बचता था वो स्टेशन पर जाके दे आते थे, और अब तो इतनी सुंदर व्यवस्था है कि सब भाई 500-700 रुपए देते हैं और स्टेशन पर एक होटल वाला रोज उनको खाना खिला देता है। कितना अच्छी बात कहलाए, बहुत अच्छा। खूब साधुवाद देती हूँ जिन लोगों ने भी इस अन्न क्षेत्र में योगदान दिया है, और योगदान देते रहें। ऐसा बाटापारा में दिन आए कि यहाँ कोई भी किसी को भी भूखा सोना ना पड़े, ऐसी आप लोगों की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि सिंधी समाज के पास भगवान ने कभी धन की कोई कमी नहीं दी है, और देंगे तो और निकलेगा, कुएं से और पानी निकालेंगे तो मीठा पानी और आएगा। आप और देते चलिए, भगवान और देते रहेगा। आप बांट के नहीं थकोगे तो फिर वो देने में भी थकेगा नहीं। तो खूब खूब साधुवाद देती हूँ सेवादारियों को जिन्होंने ऐसी सेवाओं का आयोजन किया है, संत समागम का आयोजन करते हैं, फिर से करते रहें। आज बापूजी का दिव्य संकल्प महावृक्ष बन गया है, देश विदेश में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है, और आज उसी के उपलक्ष बाटापारा के इस आश्रम में भी हम शुभ प्रारंभ करेंगे। लेकिन उससे पहले दोनों हाथ जोड़ लीजिए, भगवान नाम जप, प्यारा सा भजन, फिर पूजन प्रारंभ करते हैं। आओ भाव से जप कीजिए, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
परम पिता जगदीश्वर की शरण, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों की शरण, उनके ज्ञान की शरण, आपको बिना पुरुषार्थ के इन अवगुणों से सहजता में भक्ति की ओर ले जाए। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, प्रथम नाम माँ का दिया, जग जननी माँ आदि शक्ति को प्रणाम। इस देह को जन्म देने वाली जन्मदात्री माँ को प्रणाम, पालन पोषण करने वाले पिता को प्रणाम, और इस देह से मुक्त होकर पार ब्रह्म में स्थिति देने वाले सतगुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु गुरु मामनी आए, सतगुरु सौ माताओं का हृदय रखते हैं, ऐसी करुणाशील ममतामय करुणामय गुरुजनों को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम। गुरु कृपा का क्या करी वरना, गुरु कृपा का क्या करे मम्मता का क्या।
सब कुछ मिलता, वो होते हैं जो सेवा इनकी करते।
समय
सदाई